हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाइट्स सबकी आज सबके साथ में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ऑस्कर अवार्ड 2022 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बन सकते हैं उनको आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और इन्हें भी दोस्तों आज हम कुछ को ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है वो है दोस्तों, संस्करण यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 का जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था। तो वो याद रखना है, वो 94वां संस्करण था, यानी ऑस्कर अवार्ड जो वितरित किया गया 2022 में वो संस्करण था 94, और इसका जो आयोजन है वो दोस्तों किया गया 27 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसका जो आयोजन है, इसका जो समारोह है वो लॉस एंजलिस थिएटर में किया गया। तो ये याद रखना है, और दोस्तों इससे संबंधित है कि इसका जो पहला जो समारोह है वो कब आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया 16 मई 1929 को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया, तो वो याद रखना है। तो बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो दिया गया बिल स्मिथ को। एक्टर हैं बिल स्मिथ, उन्हें प्रदान किया गया, और इन्हें यह बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया उनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। तो फिल्म है किंग रिचर्ड, उस फिल्म के लिए इन्हें बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया, और इस फिल्म किंग रिचर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो है रोनाल्डो मार्कस ग्रीन। कौन है? रोनाल्डो मार्कस ग्रीन, वो है इसके डायरेक्टर हैं। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो बिल स्मिथ को दिया गया, और वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए प्रदान किया गया, तो वो फिल्म थी किंग रिचर्ड, और इसके डायरेक्टर थे किंग रिचर्ड फिल्म के रेनाल्डो मार्कस ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए हमें दो शब्द याद रखने हैं, वो याद रखने हैं वो हैं बिका किंग रोनाल्डो। फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, तो फुटबॉल जगत के वो किंग हैं, तो वो क्या हो गए, बिक गए हैं, बस इतना याद रखना है। तो बिका किंग रोनाल्डो, बस यह याद रखना है। इससे हमें बेस्ट एक्टर कौन है, कौन सी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और उसके उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो वो याद कर सकते हैं। बिका से याद आ जाएगा हमें बिल स्मिथ, और किंग से याद आ जाएगा किंग रिचर्ड फिल्म है, और उसके किंग रिचर्ड फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कौन हैं, तो वो हैं रेनाल्डो मार्कस ग्रीन। तो रेनाल्डो से रेनाल्डो मार्कस ग्रीन याद आ जाएगा। क्या याद रखना है? बिका किंग रेनाल्डो। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया है जेसिका चेस्टन को, और जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया वो फिल्म थी द आइज ऑफ टेमी फेयर। तो इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं माइकल सोलेटर। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का अवार्ड है वो प्रदान किया गया जेसिका चेस्टन को, उनकी जो फिल्म थी द आइज ऑफ टेमी फे उसके लिए, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो है माइकल सेलेटर। अब इसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें याद रहें, इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो है चेस्ट आइज यानी आँख माइकल के, यानी चेस्ट और आइज ये दोनों किसके हैं, माइकल के हैं। बस इससे हमें बेस्ट एक्ट्रेस का और उन्हें किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है वो आसानी से याद कर सकते हैं। चेस्ट से याद आ जाएगा जेसिका चेस्टन, आइज से याद आ जाएगा द आइज ऑफ टेमी फे, और माइकल से याद आ जाएगा माइकल सेलेटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक को याद रखने के बाद हमें बेस्ट एक्ट्रेस कौन है और उन्हें किस फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया और उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है वह भी याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट फिल्म। तो इस ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी रही है, तो वो रही है कोडा।
कोड़ा जो फिल्म थी वो बेस्ट रही है, और इसके कोड़ा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सियान हेडर। सियान हेडर इसके डायरेक्टर हैं। बेस्ट फिल्म है कोड़ा। अब इसको दोस्तों कैसे याद रखें कि बेस्ट फिल्म कौन सी है और इसके डायरेक्टर कौन हैं, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो इसके लिए ट्रिक है कोशिया, ये याद रखना है कोशिया। को से कोड़ा और डायरेक्टर हैं सिया से सियान हेडर। ओके फ्रेंड्स, तो कोशिया याद रखना है। बेस्ट फिल्म के जो बेस्ट फिल्म है वो है कोड़ा और इसके डायरेक्टर हैं कोशिया यानी कोशियान। कोड़ा फिल्म है, को से कोड़ा और सियान से सिया से सियान हेडर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया जेन कैंपियन को, और उन्हें ये बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया उनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। दोस्तों वैसे मान के चले एक कहानी की तरह कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने डॉग को पावर प्रदान कर दी, वो ऐसा डायरेक्टर था कि उसने डॉग को भी पावर प्रदान कर दी। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया जेन कैंपियन को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। बेस्ट जो इंटरनेशनल फिल्म है उसकी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल दोस्तों शब्द से हमें समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल बात की जा रही है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, और हमें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना हो क्योंकि हमें हवाई जहाज वगैरह के टिकट वगैरह के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमें जब विदेश जाना हो तो हम किससे जाएंगे? कार से जाएंगे। तो ड्राइव माई कार ये रही है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। फिल्म का नाम है ड्राइव माई कार और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रयूसुके हमागुची। यानी हम रईस होते तो हवाई जहाज से आते, कार से नहीं आते। तो ड्राइव माई कार ये फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रयूसुके हमागुची। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की अगर बात करें तो वो प्रदान किया गया है एन कैंटो को। तो एन कैंटो जो फिल्म है वह रही है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं जारेड बुश। ओके, अब इसको कैसे याद रखें? तो एनिमेटेड फिल्म, एनिमेटेड टॉम एंड जेरी वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो कैटो यानी कैट बिल्ली की उसमें बात की जा रही है, तो ऐसी ही एनिमेटेड फिल्म है एन कैंटो जिसके डायरेक्टर हैं जारेड बुश। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो ये तो एनिमेटेड फिल्म थी लेकिन ये एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है, तो शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया द विंडशील्ड वाइपर को। ठीक है, तो बेस्ट एनिमेटेड जो शॉर्ट फिल्म रही है वो रही है द विंडशील्ड वाइपर। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो रही है समर ऑफ सॉल। कौन सी फिल्म रही है? समर ऑफ सॉल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है और इसके कंपटीशन में रही हमारी भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर, जो यह ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। किसने जीता है? समर ऑफ सॉल ने जीता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी और ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, तो ये जीता है द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल ने। किसने जीता है? द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल ने यह अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। अब हम बात करें अपनी भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर की, तो राइटिंग विद जो फायर फिल्म थी हमारी, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। कौन थे? रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष इसके डायरेक्टर थे और ये दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। और इसकी अगर खास बात की अगर बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में हमारी भारत की ओर से नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म है जो यह ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई। ठीक है, वो जीता है समर ऑफ सॉल ने। हमारी जो भारतीय फिल्म थी राइटिंग विद फायर जिसके डायरेक्टर थे रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष, जो दिल्ली के रहने वाले थे और ये डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में शामिल होने वाली यानी नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है, तो ये याद रखना है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। ओके दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कभी इस तरह की वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें तो इस ऑस्कर अवार्ड 2022 में सबसे ज्यादा जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी है, तो सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो फिल्म है वो है ड्वीन। तो ड्वीन जो फिल्म है वो सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। अब उसने कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, तो उसने बेस्ट साउंड का, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का, बेस्ट विजुअल इफेक्ट का और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ये छह ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म ड्वीन ने जीते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो वो जीता है द लॉन्ग गुड बाय ने। किसने जीता है, द लॉन्ग गुड बाय फिल्म ने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ओके दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ जो आपके एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो आप इसे एक बार जब भी एग्जाम जाएं तो एक बार इसे जरूर देख करके जाएं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।